चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। इज ऑडियो वीडियो क्लियर फॉर ऑल? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके लिए? ऑडियो वीडियो क्लियर है? सो ऑडियो वीडियो इज क्लियर। सो इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट वैल्यूएशन। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे वैल्यूएशन की। वैल्यूएशन में हमने बात करी थी कैपिटलाइज वैल्यू की, हमने बात करी थी कैपिटल कॉस्ट की, हमने बात करी थी ईयर परचेज की। ये तीन पॉइंट हमारे लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन थे। दीज थ्री पॉइंट्स वर द लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। वी हैव टॉक्ड अबाउट कैपिटल कॉस्ट, वी हैव टॉक्ड अबाउट ईयर परचेज, वी हैव टॉक्ड अबाउट कैपिटलाइज वैल्यू। तो कैपिटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? द कॉस्ट ऑफ द लैंड प्लस कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग इज नोन एज कैपिटल कॉस्ट। ईयर परचेज का मतलब क्या होता है? कितना अमाउंट हम इन्वेस्ट करें प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर एक साल के लिए, ताकि हमारी नेट इनकम एक रुपये आ जाए। और कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब क्या था? कितना अमाउंट हम इन्वेस्ट करें एट मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो उस समय प्रिवेल कर रही है एक साल के लिए, ताकि हमारी नेट इनकम के बराबर आ जाए। इसको हमने क्या बोल दिया था? कैपिटलाइज वैल्यू बोल दिया था। इसके ऊपर मेरे ख्याल से एक दो न्यूमेरिकल आपको करा दिए थे। सो टू थ्री न्यूमेरिकल्स वर आल्सो बीइंग डिस्कस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो आज हमारी वैल्यूएशन खत्म हो जाएगी, विल स्टार्ट दी रेट एनालिसिस। आज हम रेट एनालिसिस स्टार्ट कर देंगे। दो तीन पॉइंट बचे हुए हैं इसके अंदर, तो वो पॉइंट कल ही खत्म हो जाते हैं हमारे। दोस पॉइंट वुड हैव बीन फिनिश्ड यस्टरडे ओनली, तो एस्टिमेटेड था, पर कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस दैट शुड बी नोन टू अस। अगला पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए इज टर्म्ड एज एन्यूटी। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज टर्म्ड एज एन्यूटी। अब एन्यूटी क्या होती है? ये चीज हमने पहले डिस्कस कर रखी है। वी हैव टॉक्ड अबाउट सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड का मतलब क्या था? सिंकिंग फंड का मतलब था कितना अमाउंट हम सेपरेट आउट कर दें हर साल, ताकि डिजाइन लाइफ के एंड पे हमारे पास इतना टोटल अमाउंट हो जाए जिससे हम हमारी बिल्डिंग को या स्ट्रक्चर को या एसेट को दोबारा बना पाए, मेंटेन कर पाए और रिपेयर कर पाए। इसको हमने क्या बोल दिया था? सिंकिंग फंड बोल दिया था। तो उस सिंकिंग फंड की जो वैल्यू होती है, सिंकिंग फंड की जो एनुअल इन्वेस्टमेंट होती है, उसको हम एन्यूटी बोलते हैं। सो द एनुअल इन्वेस्टमेंट ऑफ द सिंकिंग फंड, कहने का मतलब है हर साल हम जितना अमाउंट सेपरेट आउट कर रहे हैं उस अमाउंट को क्या बोला जाता है? एन्यूटी बोला जाता है। दैट अमाउंट इज बीइंग टेक्निकली टर्म्ड एज एन्यूटी। सो यू शुड नो व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज एन्यूटी। आपको पता होना चाहिए क्या एन्यूटी होती है। क्लियर चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो एन्यूटी, एन्यूटी क्या होता है? सो एन्यूटी मीन्स व्हाट? एन्यूटी मीन्स एनुअल इंस्टॉलमेंट, एन्यूअल इंस्टॉलमेंट ऑफ सिंकिंग फंड। ये एनुअल इंस्टॉलमेंट होती है सिंकिंग फंड की। एंड व्हाट इज सिंकिंग फंड? दैट इज नोन टू अस। सिंकिंग फंड क्या होता है वो तुम्हें पता ही है। दैट इज टेक्निकली नोन टू अस। तो हमें वैल्यूएशन के अंदर एन्यूटी के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। So what is valuation? That is known to us. Then why to carry out valuation? That is also known to us. Valuation में हम बहुत सारे significant terms की बात कर रहे थे, उसमें आखिरी significant term है हमारी annuity की। Next point of reference is कि valuation में हमें कितना cost repair में लगता है उसकी जानकारी भी अलग से होनी चाहिए। So the amount which is to be invested for the repair of the structure should also be known to us separately. तो next point of reference हमारा बनता है repair का। So next point of reference becomes for repair. अब क्या है repair? So we can say amount used for repair of the structure. Repair of structure is taken as follows. जो amount हम use करते हैं फॉर रिपेयर ऑफ द स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोल देंगे? रिपेयर बोल देंगे। इज एन्यूटी सम ऑफ सिंकिंग फंड? नो, एन्यूटी इज नॉट द सम ऑफ सिंकिंग फंड। एन्यूटी इज द एनुअल इन्वेस्टमेंट ऑफ सिंकिंग फंड। एन्यूटी एनुअल इन्वेस्टमेंट है सिंकिंग फंड की। तो हमने सिंकिंग फंड को समझने के लिए क्या बोला था? हर साल हम कितना अमाउंट सेपरेट आउट करते जाए
हर साल हम कितना अमाउंट सेपरेट करते जाएं ताकि डिजाइन लाइफ के एंड पे हमारे पास टोटल इतना अमाउंट आ जाए कि हम हमारे स्ट्रक्चर को दोबारा बना पाए। तो हर साल जो आप अमाउंट को सेपरेट आउट करते जा रहे हो उसको एन्यूटी बोला जाता है, दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज एन्यूटी। तो जो एनुअल इन्वेस्टमेंट है हमारी, तो हमने हर साल क्या किया, एक फिक्स अमाउंट को सेपरेट आउट किया ताकि डिजाइन लाइफ के एंड पे, लेट अस सपोज 0, 1, 2, 3, ये बीच में ब्रोकन है अप टिल एन, तो ये n-1 n, तो डिजाइन लाइफ के एंड पे क्या हो जाए, डिजाइन लाइफ के एंड पे आपके पास इतना अमाउंट हो जाए जिससे आप दोबारा स्ट्रक्चर को बना पाओ। तो हर साल जो अमाउंट आप सेपरेट आउट कर रहे हो उसको एन्यूटी बोला जाता है, दिस इज टर्म्ड एज एन्यूटी। चलिए लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे रिपेयर का। तो जो भी अमाउंट हम इन्वेस्ट करेंगे स्ट्रक्चर को रिपेयर करने के लिए उसकी वैल्यू डायरेक्टली ली जाती है, एंड दैट वैल्यू शुड बी नोन टू यू फॉर योर ऑब्जेक्टिव पर्पस। आपको अपने ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए ये वैल्यू डायरेक्टली पता होनी चाहिए। अब कितनी वैल्यू होती है, सो वी कैन से रिपेयर अमाउंट, सो वी कैन से रिपेयर अमाउंट, सो रिपेयर अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट, रिपेयर अमाउंट होता है हमारा 1 to 1.5% ऑफ मंथली रेंट। सो 1 to 1.5% ऑफ मंथली रेंट कोई सा भी निकाल लो, देन 10 to 15% ऑफ ग्रॉस इनकम। सो 10 to 15% ऑफ ग्रॉस इनकम, 1 to 1.5% ऑफ टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। सो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, तो आप रिपेयर अमाउंट इनमें से किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। सो रिपेयर अमाउंट कैन बी फाउंड बाय एनी ऑफ दीज थ्री पैरामीटर्स विच आर अवेलेबल विद अस। तीन पैरामीटर आपको बताए, 1 से 1.5% मंथली रेंट का, 10 से 15% हमारी ग्रॉस इनकम का, या 1 से 1.5% हमारे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का। इसमें से कोई भी वैल्यू हमारे किसके बराबर निकल के आ जाएगी, मंथली रिपेयर के बराबर निकल के आ जाएगी या ईयरली रिपेयर के बराबर निकल के आ जाएगी, वो डिपेंड करेगा आपने कौन सी कॉस्ट ली है। इट विल डिपेंड अपॉन विच कॉस्ट इज बीन टेकन बाय अस। क्लियर है पूरी कहानी, रिपीट करना है इस पर कुछ भी। तो वो भी जो अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं हमारे स्ट्रक्चर के रिपेयर के लिए उसकी वैल्यू कैसे एनालाइज की जाती है, हाउ दैट वैल्यू इज बीइंग एनालाइज्ड। तो यूज एनी वैल्यू, ऑब्जेक्टिव में आपको दे देगा डेटा लिख के, दिस डेटा विल बी गिवन टू यू इन द ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एंड कलेक्शन चार्ज। तो अगली टर्म जो हमें पता होनी चाहिए वैल्यूएशन के अंदर इज मैनेजमेंट एंड कलेक्शन चार्ज, लास्ट टर्म ही है, तो लास्ट सिग्निफिकेंट टर्म। सो मैनेजमेंट एंड कलेक्शन चार्ज, अब क्या है मैनेजमेंट और कलेक्शन चार्ज। सर्टन स्टाफ इज रिक्वायर्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द बिल्डिंग, कुछ ना कुछ स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है बिल्डिंग को मैनेज करने के लिए, उसके लिए जो कॉस्ट लगती है वो हम इस कैटेगरी में डाल देते हैं। जैसे कौन सा स्टाफ चाहिए हमें बिल्डिंग को मैनेज करने के लिए, हमें स्वीपर चाहिए, वी रिक्वायर स्वीपर टू मैनेज द बिल्डिंग। हमें लिफ्ट मैन चाहिए अगर लिफ्ट लगी हुई है, हमें गार्ड चाहिए। तो इन सारों की जो सैलरी जाती है वो इस कैटेगरी से जाती है, नोन एज मैनेजमेंट और कलेक्शन चार्ज। क्लियर है, सो वी कैन से सम स्टाफ इज रिक्वायर्ड, सम स्टाफ इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग, मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल स्वीपर, लिफ्ट मैन, गार्ड्स एक्सेट्रा। द कॉस्टिंग ऑफ दिस स्टाफ, द कॉस्टिंग ऑफ दिस स्टाफ, द कॉस्टिंग ऑफ दिस स्टाफ इज कंसिडर्ड इन दिस कैटेगरी, इन दिस कैटेगरी कितना लेते हैं। सो वी कैन से इट इज टेकन टू बी, इट इज टेकन टू बी 5 to 10% ऑफ ग्रॉस इनकम, 5 to 10% ऑफ ग्रॉस इनकम। सो 5 to 10% ऑफ ग्रॉस इनकम, हाँ केयर टेकर बोल सकते हो, ये 5 से 10% होता है ग्रॉस इनकम का। खत्म आपके सारे सिग्निफिकेंट टर्म। तो वैल्यूएशन के अंदर तीन सिग्निफिकेंट टर्म बचे थे कल हमारे, एक था हमारा रिपेयर, एक थी एन्यूटी और एक था मैनेजमेंट एंड कलेक्शन चार्ज। अब जितने भी सिग्निफिकेंट टर्म्स हैं वैल्यूएशन के अंदर वो सारे कवर कर लिए मैंने। व्हाटएवर सिग्निफिकेंट टर्म्स वर देयर इन
वैल्यूएशन टॉपिक ईच एंड एवरी पॉइंट आई हैव डिस्कस्ड, कोई सा भी प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर सकते हो उनके बिहाफ पे। आप यू आर नाउ इन पोजीशन टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी प्रॉब्लम विच कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली फ्रॉम इट। सो व्हाट इज वैल्यूएशन दैट इज बीइंग डिस्कस्ड, वैल्यूएशन की नीड क्या होती है वो हमने डिस्कस कर लिया, वैल्यूएशन करने के लिए जिन सिग्निफिकेंट टर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है वो हमने डिस्कस कर ली। अब एक लास्ट पॉइंट बचा है वैल्यूएशन के अंदर, हाउ टू डू दी वैल्यूएशन, वैल्यूएशन कैसे करें। तो देयर आर सेवरल मेथड्स अवेलेबल टू कैरी आउट दी वैल्यूएशन। अब उन मेथड्स के बारे में भी आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है वैल्यूएशन का, वैल्यूएशन इज बीन फिनिश्ड। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। सो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन, सो लास्ट टॉपिक टू बी डिस्कस हियर इज मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। अब किन किन तरीकों से हम वैल्यूएशन कर सकते हैं। सो वैल्यूएशन कैन बी डन, वैल्यूएशन कैन बी डन बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। वैल्यूएशन कैन बी डन बाय एनी ऑफ फॉलोइंग मेथड्स। अब बहुत सारे तरीके हैं, सबके बारे में आपको बेसिक जानकारी दे दूंगा। आई विल डिस्कस ऑल द बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ दिस मेथड। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, सो फर्स्ट मेथड अवेलेबल फॉर वैल्यूएशन इज डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन। तो डेप्रिसिएशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन पहला तरीका। दूसरा तरीका वैल्यूएशन बेस्ड ऑन, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन कॉस्ट, तो दूसरा तरीका। नेक्स्ट वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट, तीसरा तरीका। नेक्स्ट वैल्यूएशन बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, वैल्यूएशन बाय डेवलपमेंट, वैल्यूएशन बाय डेवलपमेंट मेथड। और आखिरी तरीका वैल्यूएशन, वैल्यूएशन बाय रेंटल, वैल्यूएशन बाय रेंटल। क्लियर है पूरी कहानी? अब देखते हैं सारे तरीकों को एक एक उठा के। सो विल डिस्कस ऑल द पॉइंट्स फॉर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस। तो फर्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, वैल्यूएशन मेथड बाय डेप्रिसिएशन। हम डेप्रिसिएशन मेथड से वैल्यूएशन करते हैं। अब क्या किया जाता है इस मेथड के अंदर, पहले एक बार सारे मेथड बता दूंगा फिर मेंशन कर दूंगा इनको। इन दिस मेथड द एंटायर स्ट्रक्चर इज बीइंग डिवाइडेड इनटू, इन दिस मेथड द एंटायर स्ट्रक्चर इज बीइंग डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। इस पूरे मेथड में हम स्ट्रक्चर को डिवाइड करते थे चार पार्ट के अंदर। चार पार्ट कौन कौन से हमारे, पहला पार्ट है वॉल, दूसरा पार्ट है रूफ, तीसरा पार्ट है फ्लोर और चौथा पार्ट है हमारे डोर्स एंड विंडोज। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वॉल, रूफ, देन फ्लोर्स, देन डोर्स एंड विंडोज। अब इन चारों अलग अलग कॉम्पोनेंट के अंदर हम क्या निकालते हैं, डेप्रिसिएशन निकालते हैं। इन चारों अलग अलग कॉम्पोनेंट्स के हम क्या निकाल लेते हैं, डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। और इस डेप्रिसिएशन की मदद से हम वैल्यूएशन करते हैं हमारे बिल्डिंग की। ऑन द बेसिस ऑफ द डेप्रिसिएशन वी कैरी आउट द इवैल्यूएशन ऑफ अवर बिल्डिंग। तो ये पहला तरीका निकल के आता है, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन। सिंकिंग फाउंड के लिए हमको पर मंथ पैसा बैंक में डिपॉजिट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिजाइन लाइफ टोटल कॉस्ट। बेटा क्या लिखा है एक बार पढ़ना, समझ में नहीं आ रहा जो लिख रहे हो, कम से कम वो तो ढंग से लिखो, लिख के एक बार खुद ही पढ़ो, खुद को समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है। चलिए, तो फर्स्ट मेथड ऑफ वैल्यूएशन वाज ऑन द बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन कॉस्ट। इसमें हम पूरे स्ट्रक्चर को चार कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे, चारों के डेप्रिसिएशन निकालेंगे यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड और उसके बिहाफ पे वैल्यूएशन की जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ दैट द वैल्यूएशन विल बी कैरिड आउट। अगला तरीका है वैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे वैल्यूएशन की जाती है कॉस्ट के बिहाफ पे। अब इस मेथड में क्या करते हैं, इस मेथड में जितनी भी कॉस्ट लगी हमें उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, जितनी भी कॉस्ट लगी उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए और उस स्ट्रक्चर में जितनी भी डेप्रिसिएशन होगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसके बिहाफ पे हमारे स्ट्रक्चर की वैल्यूएशन करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट द वैल्यूएशन ऑफ अवर स्ट्रक्चर और बिल्डिंग इज बीइंग कैरिड आउट। तो ये वैल्यूएशन का तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। तीसरा तरीका है वैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। ये मेथड जनरली अडॉप्ट किया जाता है बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे एग्जाम्पल वैल्यूएशन ऑफ सिनेमा हॉल, वैल्यूएशन ऑफ थिएटर्स, वैल्यूएशन ऑफ बैंक, आपको बैंक खरीदनी है उसकी वैल्यूएशन लगानी है, वैल्यूएशन ऑफ विक सुपरमार्केट। तो इनकी वैल्यूएशन किसके बिहाफ पे की जाती है, प्रॉफिट के बिहाफ पे की जाती है कि ये सारे बड़े एस्टेब्लिशमेंट कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। क्लियर है चीज? तो ये एक तरीका है वैल्यूएशन करने का, जितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी उसकी वैल्यूएशन होगी।
तो ये मेथड है तरीका ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। अगला है वैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। अब कई बार क्या होता है, हमारे बिल्डिंग के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर टाइम के साथ डेवलपमेंट चल रही होती है एंड विच इज वेरी ऑब्वियस। ऐसे एग्जाम्पल हमारी मेट्रो, इसकी कभी भी कंस्ट्रक्शन एक साथ नहीं होती, इसकी कंस्ट्रक्शन होती है फेजेस के अंदर। इट्स कंस्ट्रक्शन इज बीइंग कैरिड आउट इन फेजेस, फेज वन, फेज टू, फेज थ्री, फेज फोर, फेज फाइव। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाती है, वैसे वैसे उसकी वैल्यूएशन भी क्या करती जाती है, बढ़ती जाती है। तो इस मेथड में हम वैल्यूएशन करते हैं हमारे स्ट्रक्चर या बिल्डिंग की डेवलपमेंट के बिहाफ पे। सो इट इज टेक्निकली टर्म्ड एज वैल्यूएशन बाय डेवलपमेंट मेथड। और लास्ट मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ रेंटल। ये जनरली कमर्शियल ऑफिसेज में या कमर्शियल सेटअप्स में किया जाता है। जैसे आपको शॉप परचेज करनी है, उस शॉप के ऊपर कितना रेंट मिल रहा है हमें, उसके बिहाफ पे उसकी वैल्यूएशन की जाती है। जनरली जो रेंटल होता है ये 3 से लेके 4 से लेके 5% के आसपास होता है। अगर 5% आपको रेंटल मिल रहा है, बहुत ज्यादा वैल्यू ही है। तो अगर 5% रेंटल मिल रहा है, कहने का मतलब है आपको रेंट मिल रहा है 10,000 रुपए और ये रेंटल है 5%, तो आप इसकी कॉस्ट निकाल सकते हो, यू कैन कैलकुलेट द कॉस्ट। तो इफ 5% ऑफ द नेट वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज एज द फॉर्म ऑफ रेंटल, यू कैन कैलकुलेट इट्स वैल्यू। तो जितना ज्यादा रेंटल होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, उसकी वैल्यूएशन होगी। तो वैल्यूएशन करने के हमारे पास ये 5 तरीके निकल के आते हैं। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन की वैल्यूएशन प्रॉफिट से होगा, बिल्कुल सही बात है। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन की जो वैल्यूएशन होगी वो प्रॉफिट के बिहाफ पे होगी, इसीलिए तो पीएसयू उसको कब बेचा जा रहा है, इसीलिए तो पीएसयू उसको कब बेचा जा रहा है। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है आपके सामने, जो भी सेलिंग परचेजिंग हो रही है पीएसयू उसकी, वो किस टाइम पे हो रही है, वो उस टाइम पे हो रही है जब इनका लॉस दिखाया जा रहा है। तो अगर इनका लॉस दिखाया जा रहा है तो वैल्यूएशन क्या हो जाएगी, इनकी कम हो जाएगी, द वैल्यूएशन विल कम आउट टू बी कंपैरेटिवली लेस, तो वो सस्ती खरीद ली जाएंगी। क्लियर है, रिपीट करना है इस पर कुछ भी आप, एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन, कोई सा पॉइंट रिपीट, फालतू की बातें मत करो, जो टॉपिक चल रहा है उस पर रहो। क्यों क्यों टाइम बर्बाद करते हो खुद का भी दूसरा, प्राइवेटाइजेशन। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ वैल्यूएशन की सर, प्राइवेटाइजेशन। और जब प्राइवेटाइजेशन के बारे में करा रहा हूँ ना, तब दिमाग कुछ और चल रहा होगा, बस वो एक भारी भरकम नाम सुन लिया प्राइवेटाइजेशन, हर जगह चुपका देंगे प्राइवेटाइजेशन। चले आगे, स्वीडन विद ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ योर वैल्यूएशन, जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वैल्यूएशन के, वो सारे कवर कर लिए। All the points are being cleared. So ये आपका चौथा चैप्टर कंप्लीट हो गया। Now we are only left with the one chapter. आखिरी टॉपिक बचा है आपका कॉस्टिंग एस्टिमेशन का, that is rate analysis, or you can say analysis of the rate. So last of the topic which is being left is analysis of the rates. इसका नंबर डाल देना जो भी, मेरे ख्याल से फिफ्थ पार्ट है, तो फिफ्थ चैप्टर है हमारा मेरे ख्याल से। So this is analysis of the rate. So analysis of rate. Again very important topic, बहुत ही important topic है, खूब सवाल आते हैं इसमें से। अभी PYQs हम कर रहे थे, खूब सवाल थे इसके अंदर। N number of problems were there from this topic. अब analysis of the rate, as the name suggests, जैसा नाम में लिखा हुआ है, the process of determining the rate of any work in the engineering is termed as analysis of the rate. The process of determining the rate of any work in the engineering project, like earthwork, like brickwork, like plastering, like painting, is called as what analysis of rate. तो वो प्रोसेस जिसमें आप रेट निकालो किसी भी काम की अपने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के अंदर, इसको हम क्या बोल देते हैं, एनालिसिस ऑफ रेट बोल देते हैं। क्लियर चीज, एनालिसिस किसके हिसाब से निकाली जाती है, हाउ दिस एनालिसिस बीइंग फाउंड, ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम, ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर आइटम। क्लियर चीज, सो वी कैन से एनालिसिस ऑफ द रेट, सो एनालिसिस ऑफ द रेट, so analysis of the rate, क्या बोल सकते हैं इसको हम, the process of determining the rates of any work in engineering project, like what, कुछ example दिए हैं आपको, like earthwork, like brickwork, like plastering, like painting etc is termed as rate analysis.
सिस्टम डैश रेट एनालिसिस, इसको हम रेट एनालिसिस बोले जाते हैं। तो वो प्रोसेस जिसपे हम किसी भी काम की रेट निकाले हमारे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के अंदर, उसको हम क्या बोल देंगे, एनालिसिस ऑफ द रेट बोल देंगे। अब ये एनालिसिस ऑफ रेट करने के लिए हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट, हमें उसकी कॉस्ट पता होनी चाहिए। दूसरा, हमें उसका क्या पता होना चाहिए, सेकेंड वी शुड नो वॉट। एक, हमें उसकी कॉस्ट पता होनी चाहिए, दूसरा हमें क्या पता होना चाहिए। सो फर्स्ट वी शुड नो द कॉस्ट, पर यूनिट आइटम की कॉस्ट पता चल जाएगी। दूसरा, आपको टोटल क्वांटिटी पता होनी चाहिए, यू शुड नो द टोटल क्वांटिटी। बिल्कुल सही बात है। तो एक तो हमें क्वांटिटी पता चल जाए, दूसरा हमें पर यूनिट आइटम की कॉस्ट पता हो। सो एब्सोल्युटली करेक्ट। तो उसकी बेस पे हम क्या निकाल लेंगे, रेट निकाल लेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट द टोटल रेट कैन बी कंप्यूटेड, सो रेट ऑफ एनी वर्क कैन बी फाउंड। तो बिल्कुल सही बात है। सो वी कैन से नेक्स्ट पॉइंट, सो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है द रेट ऑफ दिस वर्क। तो द रेट्स ऑफ दिस वर्क, तो द रेट्स ऑफ दिस वर्क फर्दर हेल्प, तो रेट ऑफ दिस हेल्प वर्क फर्दर हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग दी इन डिटरमाइनिंग दी सो रेट ऑफ दिस वर्क्स फर्दर हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग दी कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर वर्क, कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर वर्क एंड इन टर्न कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें क्वांटिटी चाहिए, वी शुड नो द क्वांटिटी ऑफ द आइटम एंड कॉस्ट। सो एब्सोल्युटली करेक्ट गुरदयाल। तो ये तो आपको बेसिक जानकारी दे दी कि रेट एनालिसिस का मतलब क्या होता है। तो वो प्रोसेस जिसमें हम रेट निकालें किसी भी काम की इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के अंदर, उसको हम बोल देंगे एनालिसिस ऑफ द रेट। चलिए, तो फर्स्ट एस्पेक्ट तो ये निकल के आया। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस, क्यों करें हम एनालिसिस, बाय द एनालिसिस ऑफ द रेट इज बीइंग कैरीड आउट। तो सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, ये चीज आप खुद बताओगे। सो बाय द एनालिसिस ऑफ द रेट इज टू बी कैरीड आउट। सो एनालिसिस ऑफ रेट क्यों करनी पड़ती है, सो एनालिसिस ऑफ द रेट इज बीइंग डन फॉर, अब सारे पॉइंट आप बताओगे, ऑल द पॉइंट्स विल बी डिस्कस ऑन योर ओन। हमें रेट एनालिसिस क्यों करनी पड़ जाती है, व्हाई वी टू गो फॉर द रेट एनालिसिस, ताकि हमें क्या पता चले, एस्टिमेट बनाना है, ठीक है, फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही बात बोला है। तो एक ने बोला फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, दूसरे ने बोला प्रोजेक्ट कॉस्ट, बिल्कुल सही बात है। सो टू डिटरमाइन दी, सो टू डिटरमाइन दी एक्चुअल कॉस्ट, टू डिटरमाइन दी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एन आइटम, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एन आइटम। नेक्स्ट, टू डिटरमाइन दी प्रोजेक्ट कॉस्ट, टू डिटरमाइन दी प्रोजेक्ट कॉस्ट, बिल्कुल सही बात है, प्रोजेक्ट कॉस्ट निकालनी है। नेक्स्ट, फिजिबिलिटी बोला था किसी ने, टू फाइंड दी फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, टू फाइंड दी फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, कि प्रोजेक्ट हमारा फिजिबल होगा या नहीं होगा। तो जब हम रेट एनालिसिस करेंगे उससे ये पता चल जाएगा हमारा प्रोजेक्ट फिजिबल यानी इकोनॉमिकल है या नहीं है, टू फाइंड दी फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, हमारी जो एग्जिस्टिंग शेड्यूल ऑफ रेट्स है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सो टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग शेड्यूल ऑफ रेट, टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग शेड्यूल ऑफ रेट्स। तो जो हमारी एग्जिस्टिंग शेड्यूल ऑफ रेट्स है उसको हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे रीजन है, देर आर एन नंबर ऑफ रीजंस बिकॉज ऑफ विच रेट एनालिसिस इज बीइंग कैरीड आउट, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, रेट एनालिसिस करते हैं। क्लियर है? रेट एनालिसिस की जाती है ये चेक करने के लिए कि कॉन्ट्रैक्टर क्या रेट ऑफर कर रहा है। तो ये भी बोल सकते हैं टू चेक द रेट ऑफर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, रेट ऑफर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, कहीं ज्यादा वैल्यू तो नहीं ले रहा वो, रेट ऑफर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। तो जितने भी जनरल पॉइंट्स मैंने सारे लिख दिए टू इवेल्युएट इफ बेनिफिट्स, चाहिए तो फिजिबिलिटी में आ गया, तो सही बात है। बाकी हम आपकी वो मैंने पॉइंट फिजिबिलिटी के अंदर लिख दिया। तो रेट एनालिसिस का मतलब क्या होता है, दैट वी हैव डिस्कस। रेट एनालिसिस क्यों की जाती है वो डिस्कस कर लें यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, हमारी ये जो रेट एनालिसिस है किन किन बातों पे डिपेंडेंट होगी। सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, एनालिसिस ऑफ द रेट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, एनालिसिस ऑफ रेट्स डिपेंड्स अपॉन, एनालिसिस ऑफ द रेट डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग। तो जो एनालिसिस है हमारे रेट्स की वो किस पे डिपेंड करती है। सो एनालिसिस ऑफ द रेट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग। अब खुद सोच के बताओ कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट एनालिसिस को अफेक्ट करेंगे, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द रेट एनालिसिस।
What are the different factors which affect C rate analysis? क्वांटिटी बिल्कुल सही बात है, चलो लिख दो. फर्स्ट स्पेसिफिकेशन, पहला है स्पेसिफिकेशन ऑफ द वर्क एंड मटेरियल. तो स्पेसिफिकेशन ऑफ द वर्क एंड द मटेरियल, क्या काम करना है और कौन सा मटेरियल यूज होगा. तो स्पेसिफिकेशन ऑफ द वर्क एंड द मटेरियल. नेक्स्ट क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल, बिल्कुल सही बात है. सो क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल, सो क्वांटिटी ऑफ मटीरियल एंड देयर कॉस्ट. सो क्वांटिटी ऑफ मटीरियल एंड देयर कॉस्ट, तो एब्सोल्युटली करेक्ट. नेक्स्ट वो स्पेसिफिकेशन में आ गया. नेक्स्ट लेबर की कॉस्ट जो है, सो कॉस्ट ऑफ लेबर, सो कॉस्ट ऑफ लेबर एंड देयर वेजेस. सो कॉस्ट ऑफ लेबर एंड देयर वेजेस, लेबर की कॉस्ट कितनी है. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, कहां पर आप काम कर रहे हो, वेयर द वर्क इज टू बी कैरिड आउट. तो किसी ने ऊपर लिखा है लोकेशन, सो एब्सोल्युटली करेक्ट. लोकेशन ऑफ द वर्क, सो लोकेशन ऑफ द साइट, तुम्हारी जो रेट है वो डिपेंड कर जाती है लोकेशन ऑफ साइट के ऊपर. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस कितना प्रॉफिट आप चार्ज कर रहे हो उसके ऊपर. सो प्रॉफिट चार्ज्ड, आपको 5% प्रॉफिट चाहिए, 10% प्रॉफिट चाहिए, 15% प्रॉफिट चाहिए. तो प्रॉफिट चार्ज्ड, तो कितना प्रॉफिट चार्ज कर रहे हो आप उसके ऊपर. और लास्ट जो हमारे ओवरहेड चार्जेस हैं, सो नेक्स्ट इज ओवरहेड एंड एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस. सो ओवरहेड एंड एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, एंड एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, और कोई चीज दिमाग में आ रही तो बता दो. ओवरहेड एंड एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, एंड एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, और कोई पॉइंट आ रहा है दिमाग के अंदर. तो हमारी रेट एनालिसिस किन किन बातों पर डिपेंड कर जाती है, इन सारी बातों पर डिपेंड कर जाती है. अवर रेट एनालिसिस डिपेंड्स अपॉन ऑल दीज फैक्टर्स. तो रेट एनालिसिस क्या होती है, क्यों करते हैं रेट एनालिसिस, एंड किन बातों पे डिपेंडेंट होती है. इट डिपेंड्स अपॉन टैक्सेस, बिल्कुल सही बात है. सो टैक्सेस, सो इट विल डिपेंड अपॉन द टैक्सेस, बिल्कुल सही बात है. ट्रांसपोर्टेशन लोकेशन पे आ गया, लोकेशन दूर होगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, लोकेशन पास होगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी. तो इट विल डिपेंड अपॉन द ट्रांसपोर्टेशन, तो बात सही है आपकी. तो देयर आर सेवरल फैक्टर्स, अब इतने सारे फैक्टर हैं जो मिलकर कंट्रोल करते हैं किसको, रेट एनालिसिस को. देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स व्हिच कंट्रोल्स द रेट एनालिसिस. बाकी कोई भी ऑप्शन देता है उसको पढ़ के आप एनालाइज कर सकते हो. आफ्टर रीडिंग यू कैन एनालाइज दैट ऑल्सो. तो ये हमारा बेसिक पॉइंट ऑफ रेफरेंस निकल के आ गया. अभी तक कोई सा पॉइंट रिपीट करना उस पर से, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनी मोर, क्लियर. चलिए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज टास्क वर्क और आउटटर्न. अगेन यू विल गेट वन प्रॉब्लम फ्रॉम दिस, आपको एक सवाल मिलेगा इसमें से, यू विल गेट वन डेफिनेट प्रॉब्लम फ्रॉम दिस. तो टास्क वर्क या आउटटर्न, अब क्या होता है टास्क वर्क या आउटटर्न, है स्टैंडर्ड वैल्यू, पर पहले इसके बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए हमें. इट इज द कैपेसिटी ऑफ द स्किल्ड लेबर टू डू The work in 8 hours of a particular day. ये capacity है एक skilled labor की कि वो 8 घंटे में कितना काम कर सकता है. इसको हम क्या बोल देते हैं, task work बोल देते हैं. So the capacity of the skilled labor to do the work in 8 hours of a particular day. This will be technically termed as task work, और इसको outturn भी बोल देते हैं, जिसकी सारी value standard होती है. तो एक पूरा काम करने के लिए, एक पूरा काम करने के लिए हमें कितने लेबर चाहिए, किस पर डिपेंड कर जाएगा. To complete a project, how many labors will be required? It will depend upon what? It will depend upon what? The total work which is to be carried out divided by the task work. आपको जितना भी total काम करवाना है उसको divide कर दो किससे? Task work से. आपको क्या मिल जाएंगे? Number of labors मिल जाएंगे. तो 8 घंटे का जो output होता है उसे हम क्या बोल देते हैं? Task work बोल देते हैं. बिल्कुल सही बात है. तो पहला point जो उसको लिख देता हूँ. So we can say it is the capacity. So it is the capacity. So the capacity of skilled labor to work for 8 hours, to work for 8 working hours, to work for 8 working hours. So 8 working hours. एक आदमी पर डे 8 घंटे कितना काम करता है? बिल्कुल सही बात है. Is known as, what is the capacity? Is known as, we can say, or it may be termed as, or it may be termed as,
termed as output of labor per 8 hours, per 8 working hours, per 8 working hours, per 8 working hours. तो जैसे मर्जी डिफाइन कर लो, यू कैन डिफाइन इट एज एंड व्हेन और एज यू लाइक. तो दो तरीकों से मैंने आपको बता दिया. तो मैं टोटल नंबर ऑफ लेबर्स चाहिए वो कैसे निकालेंगे. सो इफ आई वांट टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ लेबर्स, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, बेटा वर्किंग आवर्स बोले हैं ना. तो आप लंच ब्रेक कर रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, उससे मतलब नहीं है ना. इसलिए साफ साफ लिखा हुआ है वर्किंग आवर्स. तो जब लंच कर रहे हो, काम कर रहे हो क्या, तो खुद ही सोच के बता दो. जब लंच कर रहे हो तब काम कर रहे हो क्या. तो साफ साफ लिखा हुआ है, उसके बाद भी वो जर्जर लंच इंक्लूडेड है क्या इसके अंदर. फिर बाद में बोलोगे सर फोन पे बात कर रहा हूं मैं, वो इंक्लूडेड है क्या इसके अंदर. सर बाहर घूम के आ गया मैं थोड़ी देर बहुत, क्या वो इंक्लूडेड है इसके अंदर. नहीं, वो सारी चीजें इंक्लूडेड नहीं है. 8 घंटे आपने काम किया है, तो उस 8 घंटे में जो काम किया है उसका जो आउटपुट है उसे हम क्या बोलते हैं, आउटन बोलते हैं. क्लियर चीज. चलिए, तो अगर हमें नंबर ऑफ लेबर्स निकालने, कैसे निकालेंगे, अगर हमें नंबर ऑफ लेबर्स निकालने कैसे निकालेंगे. सो विल से टोटल वर्क डिवाइड बाय टास्क वर्क. तो टोटल वर्क डिवाइड बाय टास्क वर्क विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ लेबर्स. तो पूरी बात किसके ऊपर आगे रुक जाती है, तो पूरी बात किसके ऊपर आगे रुक जाती है, इस टास्क वर्क के ऊपर आगे रुक जाती है. तो आपको हर एक एक्टिविटी के लिए क्या पता होना चाहिए, फॉर एवरी एक्टिविटी व्हाट शुड बी नोन टू अस, टास्क वर्क शुड बी नोन टू अस. क्लियर है. फॉर एवरी एक्टिविटी टास्क वर्क शुड बी नोन टू अस, और वो सारी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है और सवाल पूछते हैं. जो लोग PYQ लगा रहे थे SSC JEE के, कम से कम मैंने 10 सवाल छुड़वाए हैं जो टास्क वर्क के ऊपर बेस्ड थे. तो हमने तकरीबन 100-150 क्वेश्चन कर लिए हैं SSC JEE के अंदर एस्टिमेशन कॉस्टिंग के. उसमें से 10 सवाल ऐसे थे जो डायरेक्टली किसके ऊपर बेस्ड थे, टास्क वर्क के ऊपर बेस्ड थे. इसका मतलब एक सवाल तो आता ही आता है इस पर्टिकुलर टॉपिक में से. यू विल गेट वन पर्टिकुलर, गेट वन प्रॉब्लम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक. क्लियर है. जो अब तो कोई भी से भी एग्जाम्पल देते जाओ, जो जो चीज करता है वो उसका एग्जाम्पल दे देगा. दो एग्जाम्पल, कौन कौन से एग्जाम्पल दे रहे हो. तो जो जो चीज करता है वो उसका एग्जाम्पल देता जाएगा. देते जाओ एग्जाम्पल. अब चलिए आगे बढ़ते हैं. तो अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला पॉइंट है कि हमें पता होना चाहिए आउटन या टास्क वर्क कितनी होती है. दिस टास्क वर्क इज पार्ट ऑफ द प्लानिंग, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द प्लानिंग. चलो आगे बढ़ते हैं. अब अगली जानकारी देनी है आपको टास्क वर्क की. तो टास्क वर्क की जानकारी देनी है, इंफॉर्मेशन ऑफ द टास्क वर्क इज टू बी गिवन टू यू. टास्क वर्क की जानकारी, एस्टिमेशन, कल कौन सी तारीख थी हमारी, 4 तारीख थी. दो कहां गई टेबल, हाँ ले लो बताओ. कल 4 तारीख थी ना, तो 4 तारीख थी, कहाँ गई टेबल, फिर गायब हो गई. बताओ, आउटन बताने के लिए मैंने टेबल बना रखी थी, वो तो गायब ही हो गई. सारा लिखना पड़ जाएगा मेरे को, लिखना पड़ जाएगा मतलब टाइम वेस्ट. तो टाइम वेस्ट का तो ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास. अरे फीड तो है, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं तो टेबल बनाने लग जाऊंगा, योर टाइम विल बी वेस्टेड आउट. तो टाइम की वेस्टेज बचाने के लिए मैंने टेबल बना रखी थी. कम से कम 15-20 सब टॉपिक है उसके अंदर, एटलीस्ट 15-20 सब टॉपिक्स आर देयर इन द आउटन. तो अगर मैं लिखने बैठ गया बस टाइम लगेगा उसके अंदर. तो वो टाइम बचाने के लिए टेबल बना रखी थी मैंने, क्योंकि कोई कंसेप्ट नहीं है उसके अंदर, नो कंसेप्ट इज इन्वॉल्व. वो टेबल गई कहाँ, बस एक बार वो ढूंढ के बता देता हूँ, नहीं तो फिर से वापस डाउनलोड करनी पड़ेगी मुझे.
Again, it is to be downloaded. दिख रही है कहीं पे टेबल? नहीं दिख रही, सारे ये हमारे टॉपिक ही चल रहे हैं। नो टेबल इज इन्वॉल्व, सो कोई टेबल नहीं है, इसको सेव ही कर लेते हैं। टेबल टू, सो इंपोर्ट टेबल टू, ये टेबल टू हमारी कहाँ गई? सो टेबल टू ओपन एंड बोर्ड, चलिए आ गई टेबल। ओरल बता दो, ओरल बता दो, कुछ वैल्यू इधर उधर हो जाएगी, बस आ गई। मैंने डाउनलोड कर लिया वापस, अगेन आई हैव डाउनलोडेड दिस, जूम कर लिया। कुछ लोग बोलेंगे सर दिख नहीं रहा, तो उनके लिए जूम भी कर दिया। नया टॉपिक करा दो उसको कल कर, शांति रख दो, हर चीज का सॉल्यूशन है बे, इतनी जल्दी हार मान जाते हो। बोला नया टॉपिक करा दो, वो देखो सबके, देखो सॉल्यूशन क्या क्या सबके, आप ढूंढ लीजिए। वो सर नया टॉपिक करा लो, नेट पे अवेलेबल नहीं है सर। देखो फालतू की बातें, इतनी देर में फालतू की बातें चालू हो गई इनकी। टेबल नोट से दिखा दो, स्क्रीनशॉट ले लेंगे सब। मेरे नोट्स अपलोड नहीं होते इसके ऊपर, छोड़ो। मैंने सोच लिया मैंने, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको आइटम की डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम, तो आपको आइटम की डिस्क्रिप्शन दे रखी है, और उसका जो वर्क डन पर डे पर मेसन है वो डायरेक्टली बता दिया है, दैट इज ऑल्सो बिंग मेंशन हियर। तो उसकी जानकारी भी दे रखी है आपको, दैट इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो बिंग गिवन टू यू। तो आप इसकी मदद से क्या कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ दिस व्हाट कैन बी डन, आउटन कैन बी फाउंड। तो इसकी मदद से आप आउटन निकाल सकते हैं, सो विद द हेल्प ऑफ दिस आउटन कैन बी रेफर्ड। अब उठाते जाते हैं एक एक करके, विल कंटिन्यू। जो चीज छूट जाएंगी वो मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा, व्हाट एवर विल बी लेफ्ट आउट दैट आई डिस्कस डायरेक्टली। क्लियर है चीज? वील कनेक्ट विद कुछ भी आप किसी के लिए, एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? चलिए उठाओ एक एक करके वैल्यू। सर टर्नओवर वाले में मेसन बिस्टी वगैरह भी याद करनी है, मेसन बिस्टी वगैरह क्या लिखा हुआ है? मेसन बिस्टी वगैरह, मेसन बिस्टी वगैरह क्या होता है? जूम करनी है क्या टेबल? इस टेबल इज टू बी जूम्ड, क्या टेबल जूम करनी है किसी के लिए? सर आई शेयर्ड अ पोस्ट रिगार्डिंग दैट हैशटैग रोजगार दो आई वॉज रिमूव फ्रॉम द ग्रुप, काइंडली अनब्लॉक मी। तो बेटा वो एक बार ब्लॉक होने के बाद अनब्लॉक थोड़ी ना होते हैं, जूम करें तो जूम कर दिया। चलिए तो टेबल इज बीइंग जूम्ड, सफिशियंट है, बड़े आगे। चलिए तो विल कंटिन्यू नाउ, रेफर ऑल द कैटेगरीज। अब सारी कैटेगरी उठाते हैं। फर्स्ट ब्रिकवर्क एंड फाउंडेशन एंड प्लिंथ विद द मड मोर्टार। तो मैं कुछ वैल्यूज पढ़ के दिखा दूंगा, बाकी स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं सारी आपको पता होनी चाहिए, तो इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आई विल नॉट बी वेस्टिंग द टाइम इन दिस। मैं इस टेबल को शेयर भी कर दूंगा ग्रुप के ऊपर, आई बी शेयरिंग दिस टेबल इन द ग्रुप ऑल्सो। सर कितने मेसन प्लास्टरिंग में, ब्रिकवर्क में, या सिर्फ ये? अच्छा कितने मेसन प्लास्टरिंग में लगते हैं? अच्छा तो कितने मेसन प्लास्टर में रखेंगे, ये चीज फिक्स है हमारी बेटा, ये तो डिपेंड करेगी ना कितना काम आपको करना है, अभी लिखा है पीछे। फिर ये पूछ रहा है कितने मेसन प्लास्टरिंग में लगेंगे, ये याद रखना है क्या? चलिए ये सीपीडब्ल्यू ने टेबल बनाई है, नहीं मेरे टाइपिस्ट ने बनाई है टेबल ये। सो सीपीडब्ल्यू डी डज नॉट मेड दिस टेबल, माई टाइपिस्ट हैज मेड दिस टेबल। चले आगे, हो गया डाउट क्लियर? अब बताऊं कुछ इसमें से? चलो इस वजह बताओ। हाँ चलो कंटिन्यू करते हैं, आ गई परमिशन आ गई। सो ब्रिकवर्क एंड फाउंडेशन एंड प्लिंथ विद द मड मोर्टार। तो अगर हमें ब्रिकवर्क करनी है फाउंडेशन के अंदर, हमें ब्रिकवर्क करनी है फाउंडेशन के अंदर और प्लिंथ में विद मड मोर्टार, तो आउटन कितना है हमारा? आउटन इज 1.5 मीटर क्यूब। सो आउटन इज 1.5 मीटर क्यूब, इसका मतलब क्या है?
कि ब्रिकवर्क फाउंडेशन में एक मेसन 8 घंटे में कितनी काम कर जाएगा, 1.5 मीटर क्यूब का काम कर जाएगा। सो 1.5 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिकवर्क एंड फाउंडेशन एंड प्लिंथ विद द मड मोर्टार कैन बी डन इन 8 आवर्स पर मेसन। अब सवाल क्या पूछेगा आपसे, सवाल ये पूछेगा, सवाल ये पूछेगा, सवाल ये पूछेगा, बोलेगा 1.5, 6, हाँ 9 मीटर क्यूब का हमें क्या कराना है, ब्रिकवर्क एंड फाउंडेशन कराना है, बताओ कितने नंबर ऑफ मेसन लगेंगे। अब सवाल क्या पूछा जाएगा, 9 मीटर क्यूब का हमें ब्रिकवर्क कराना है फाउंडेशन के अंदर, हाउ मेनी नंबर ऑफ मेसन विल बी रिक्वायर्ड। तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आउटर्न पता होना चाहिए। तो 9 मीटर क्यूब का काम करने के लिए हमारे को कितने मेसन की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, दैट कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम हियर, वो आप यहां से निकाल सकते हो। क्लियर चीज, रिपीट करना है इस पर कुछ भी। सो ब्रिकवर्क एंड सुपर स्ट्रक्चर विद मड मोर्टार 1.25 मीटर क्यूब, अगेन स्टैंडर्ड वैल्यू। अब कोई लॉजिक थोड़ी है इसके अंदर, देर इज नो लॉजिक इन्वॉल्व हियर, इसलिए ना मैंने लिखने में टाइम वेस्ट किया, ना मैं आपको सारी वैल्यूज एक एक पढ़ के बताऊंगा, नाइदर आई विल रीड आउट ऑल दी वैल्यूज। तो आपको पता होना चाहिए, बाकी सवाल पूछेगा इसमें से, प्रॉब्लम विल बी आस्क्ड डेफिनेटली, प्रॉब्लम नहीं छोड़ेगा वो। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा काम करने में, कौन सा काम करने में 8 घंटे के अंदर कितनी आउटटर्न निकल के आती है। क्लियर है, मतलब सब याद रखना होगा, कुछ भी उठा के पूछ लेगा। हाँ, प्योरली बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन, सो इट इज प्योरली बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन, सारी चीज ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। तो आपको ये सारी जानकारी निकालनी है, दिस इंफॉर्मेशन शुड बी नोन टू यू। अब आप चाहते हो कि मैं एक एक लाइन पढ़ के बताऊं, तो पढ़ के बता देता हूं। इफ यू वॉन्ट आई शुड रीड वन लाइन बींग मैंशनड हेयर, आई कैन डू दैट। ओनली मेसन मजदूर एंड अदर वर्कर्स इंक्लूडेड, और रुक जाओ, हाँ नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, तभी तो मैं दिखा दूँ ना एक बार, तसल्ली हो जाए सबको। चले आगे, चलिए। तो पीछे हमारा ब्रेकवर्क था, सीमेंट कंक्रीट वर्क भी इंक्लूडेड है। तो अगला है हमारा सीमेंट कंक्रीट वर्क, नेक्स्ट अर्थवर्क इज ऑल्सो इंक्लूडेड, तो अर्थवर्क भी इंक्लूडेड है। फिर इसके बाद हमारे मिसलेनियस काम भी है, आफ्टर दिस मिसलेनियस वर्क इज ऑल्सो इंक्लूडेड, और उसमें जरूरी नहीं है मेसन इन्वॉल्व हो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट मेसन इज ऑल्सो इन्वॉल्व देयर। ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला बता दीजिए बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, ये कुछ भी उठा के पूछ रहा है इसमें से, कोई चीज फिक्स नहीं है, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली फ्रॉम दिस। तो जितनी भी कैटेगरीज हैं उसमें से कुछ भी उठा के पूछेगा आपसे, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। इसके लिए आप SSCJ के मैंने PYQs करा लिए, उसके टेस्ट पेपर उठा लेना। इफ वैल्यू इज गेट इन फ्रैक्शन देन विच वैल्यू इज टेकन, इफ वैल्यू इज गेट इन फ्रैक्शन देन विच वैल्यू इज टेकन, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है आपने। तो वैल्यू अगर फ्रैक्शन में है, कौन सी वैल्यू लेते हैं। मड मोटार मीन्स व्हाट, मड मोटार का मतलब क्या होता है, BMC का लेक्चर देखना, वहां पता चल जाएगा। अब वो पूछ रहा है मड मोटार क्या होता है, व्हाट इज मीन टर्म्ड एज मड मोटार, वो मोटार जिसमें आपने क्या यूज कर रखी है, क्ले यूज कर रखी है, उसको मड मोटार बोलते हैं। द मोटार विच इज बींग यूज बाय दी और प्रिपेयर्ड बाय द यूज ऑफ द क्ले इज टेक्निकली टर्म्ड एज मड मोटार। जैसे एग्जाम्पल गांव में आपने देख रखा होगा, गांव में घरों के बाहर या झोपड़ियों के बाहर मड अप्लाई की जाती है, उसे मड मोटार बोला जाता है, दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज मड मोटार। क्लियर है सर, मींस वन मेसन विल अप्लाई 500 ब्रिक्स इन द फाउंडेशन, वन मेसन विल अप्लाई 500 ब्रिक्स इन द फाउंडेशन ऑफ स्टैंडर्ड साइज, यस ऑफ स्टैंडर्ड साइज। चलिए अब ये सारे मिसलेनियस वर्क है हमारे, ऑल दीज आर मिसलेनियस वर्क, एक बार जूम कर देता हूं आपको मैं, आई एम जूमिंग इट। तो ये सारे के सारे मिसलेनियस वर्क है, ऑल दीज आर दी मिसलेनियस वर्क, तो इनके आउटटर्न की वैल्यू भी अलग है। सर थोड़ा स्टोन वाली साइड ओपन कर दीजिए बेटा, सारे ही भेज दूंगा मैं ग्रुप में, सारा ही शेयर कर दूंगा, तो परेशान मत हो, आई विल शेयर एवरीथिंग इन द ग्रुप। क्ले प्लस वाटर, चलिए अब लास्ट वाला पॉइंट देखते हैं इसमें एक बार, क्योंकि लास्ट वाले पॉइंट से मेरे को दो तीन चीजें और बतानी है। फ्रॉम द लास्ट पॉइंट आई टू डिस्कस 2-3 कॉन्सेप्ट्स मोर। चलो देखो, लास्ट पॉइंट है हमारा मिक्सिंग ऑफ मोटार, मिक्सिंग कितनी होगी मोटार की, 3 मीटर क्यूब। तो 3 मीटर क्यूब मोटार 8 घंटे में मिक्स कर दी जाती है, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। चेक करना डिलीवरी ऑफ द ब्रिक्स अप टू द डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर, 15 मीटर की दूरी तक, 15 मीटर की दूरी तक एक लेबर 8 घंटे में कितनी ब्रिक्स को डिलीवर कर देगा, 4200 ब्रिक्स को डिलीवर कर देगा। क्लियर है चीज, आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू, तो कंटिन्यू,
अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे, अगला पॉइंट है हमारा, इसको नीचे किया, कहाँ गया वो, हाँ इसको नीचे किया। सो डिलीवरी ऑफ द ब्रेक्स अप टू द डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, अगेन 4200, देन डिलीवरी ऑफ द मोटर 5.5 मीटर क्यूब। सो डिलीवरी ऑफ द मोटर 5.5 मीटर क्यूब। अभी जो जिस डिस्टेंस से हम डिलीवरी करते हैं, अब ये तो सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, अब इसके बाद हमारा मेन काम स्टार्ट होता है। क्या मेन काम स्टार्ट होता है? जितने डिस्टेंस से हम डिलीवरी कर रहे होते हैं किसी भी चीज की, उसको टेक्निकली क्या बोला जाता है? जितने डिस्टेंस से हम डिलीवरी करते हैं, जितने डिस्टेंस से हम डिलीवरी करते हैं उसको टेक्निकली क्या बोला जाता है? दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज लीड। तो ये लीड मैंने आपको कहाँ बताई थी? अर्थवर्क में बताई थी। उस लीड के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए पूरी, दैट इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल विद यू रिगार्डिंग द लीड। तो वो लीड के बारे में हम जानकारी देख लेते हैं अब। सो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द लीड। तो हम लीड के बारे में बात कर लेते हैं कि लीड का मतलब क्या होता है। सो वी कैन से लीड पहले डिस्कस किया हुआ है, अब इसके बारे में कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स बता देता हूं। सो डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस? हॉरिजॉन्टल। सो डिस्टेंस बाय विच ट्रांसपोर्टेशन इज डन बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स इज टर्म्ड एज लीड, इज टर्म्ड एज लीड। इसको हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं? लीड बोल देते हैं। 30 मीटर और 1.5 मीटर की जो लीड और लिफ्ट है वो किसके लिए थी? अर्थवर्क के लिए थी, वो अर्थवर्क के लिए थी। अब जो लीड की कॉस्ट है वो डिपेंड कर जाती है कैसा सरफेस है आपका। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सरफेस ऑल्सो, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सरफेस ऑल्सो। कैसे टाइप ऑफ सरफेस के ऊपर डिपेंड कर जाती है उसकी बात समझते हैं। तो ये जो भी कॉस्टिंग हम निकालते हैं, वॉट एवर कॉस्टिंग इज बिंग डन बाय अस, ये कॉस्टिंग हम निकालते हैं मेटल्ड सरफेस के लिए। अब ध्यान रखना है चीज, जो भी हमने ये कैलकुलेशन कर रखी है वो मेटल्ड सरफेस के लिए कर रखी है। जैसे ही सरफेस बदल जाएगा आपको लीड की वैल्यू को मॉडिफाई करना पड़ जाएगा। तो इसको नोट करके लिख देता हूं मैं, द कॉस्टिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ, द कॉस्टिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ लीड फॉर मेटल रोड, लीड फॉर मेटल रोड। एंड इफ इफ द सरफेस इज चेंज्ड, एंड इफ द सरफेस इज चेंज्ड सूटेबल मॉडिफिकेशन फैक्टर इज टू बी अप्लाइड, इज टू बी अप्लाइड। तो हमें मॉडिफिकेशन फैक्टर अप्लाई करना पड़ जाता है उसके ऊपर। अब कैसे अप्लाई करना पड़ जाता है उसको देख लेते हैं हम। सो वील से टाइप ऑफ सरफेस, पहला है टाइप ऑफ सरफेस। सो टाइप ऑफ सरफेस, सो टाइप ऑफ सरफेस पहला है हमारा मेटल्ड। सो फर्स्ट टाइप ऑफ सरफेस इज मेटल्ड सरफेस। सेकेंड टाइप ऑफ सरफेस इज कार्ड सरफेस। नेक्स्ट टाइप ऑफ सरफेस इज सैंडी सरफेस। तो सैंडी, तो मेटल सरफेस के लिए मॉडिफिकेशन फैक्टर, तो मॉडिफिकेशन फैक्टर इज 1, क्योंकि इसी के लिए हमने सारी चीजें कैलकुलेट कर रखी हैं, इसी के लिए हमने सारी चीजों को कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस कार्ट के लिए 1.1 और सैंडी के लिए 1.4। तो जो भी कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर रखी है वो कैलकुलेट कर रखी है फॉर द लीड ऑफ मेटल्ड सरफेस। मेटल्ड सरफेस का मतलब होता है हार्ड सरफेस। पर जैसे ही हमारा सरफेस बदल गया आपको इस लीड की वैल्यू को मॉडिफाई करना पड़ जाएगा, क्योंकि कॉस्टिंग भी क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी, दी कॉस्टिंग विल ऑल्सो इंक्रीज। क्लियर है चीज? रीड करना है इसमें से कुछ भी? एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, सवाल मिलेगा इसके ऊपर आपको। इट इज स्टैंडर्ड वैल्यू, यू विल फाइंड द प्रॉब्लम ऑन दिस। पीवाईक्यू में कराया था, तो पीवाईक्यू में सवाल आया हुआ है इसके ऊपर। यू विल फाइंड द प्रॉब्लम्स इन पीवाईक्यू। क्लियर? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनी वन? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उस पूरी कहानी में से? एक मेसन के साथ लेबर कितने इन 1.25 मीटर क्यूब? भैया एक इंसान की कहानी है बस, वो बोल रहा है एक मेसन के साथ कितने लेबर इन 1.25 मीटर क्यूब। इसलिए फिर से मैं पढ़ लो ऊपर ही है, वो टाइटल क्या है पढ़ नहीं पाते ना, वो शुरू से ही है हमारी ये आदत कि जो मेन चीज है उसको नहीं पढ़ पाते हैं।
ये पढ़ लो, ये क्या लिखा हुआ है ऊपर, देखो सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है। बेटा वो लीड नहीं होता है, लिफ्ट होता है। इफ लीड लिफ्ट एक्सीड 6 मीटर्स तो करस्पॉन्डिंग लीड कैसे निकाली जाती है, वो एक अलग कहानी है, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी। तो लिफ्ट को हम इक्वलेंट लीड में कन्वर्ट कर देते हैं, लिफ्ट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इक्वलेंट लीड, तो वो एक सेपरेट स्टोरी चल रही होती है। तो वो मेरा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन ही है हमारा। तो अगर अभी ये बंद करेंगे अपने सारे सवाल पूछना तो फिर आगे बढ़ूंगा मैं, देन ओनली आगे का पॉइंट डिस्कस होगा, नहीं तो वो भी छूट जाएगा फिर, दैट विल ऑल्सो बी लेफ्ट आउट। चले आगे। चलिए, लीड लिफ्ट का वर्क मैकेनिकली मैनुअली दोनों के लिए लिया जाएगा। लीड लिफ्ट का वर्क मैकेनिकली मैनुअली दोनों के लिए लिया जाएगा। कौन सी लीड लिफ्ट का वर्क? बेटा 30 मीटर तक इंसान, जो आपने लीड ले रखी है एक्सकेवेशन की, वो लीड किसकी ले रखी है हमने? चलो छोड़ो, हो गया डाउट क्लियर। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट, कल हमने एक प्रॉब्लम में और देखा था कि हम लिफ्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग लीड के अंदर। द लिफ्ट कैन बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ करस्पॉन्डिंग लीड ऑल्सो। अब लिफ्ट को लीड में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? कहने का मतलब है, जब ट्रांसपोर्टेशन की जाती है अर्थवर्क की, तो आपको उसको वर्टिकल प्लेन में भी राइज करना पड़ सकता है। व्हेन द ट्रांसपोर्टेशन इज टू बी कैरिड आउट फॉर द अर्थ वर्क, इट इज टू बी कैरिड द वर्टिकल प्लेन ऑल्सो। और वर्टिकल प्लेन में जिस डिस्टेंस से हम हमारी अर्थ वर्क को मूव कराते हैं, उसको टेक्निकली क्या बोल दिया जाता है? दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट? लिफ्ट। अब हमारी कॉस्टिंग होती है लीड के हिसाब से, पर बीच में लिफ्ट भी आ गया, तो हम क्या करते हैं, हम लिफ्ट को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर? लीड के अंदर। वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट द लिफ्ट इन टर्म्स ऑफ द लीड। अब लिफ्ट को लीड में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, उसको डिस्कस करना है हमें, दैट बिकम्स द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो हमारी जो कॉस्टिंग है वो लीड के हिसाब से है, पर आपको ट्रांसपोर्टेशन वर्टिकल प्लेन में भी करनी पड़ सकती है, उस वर्टिकल प्लेन को हम बोलते हैं लिफ्ट। तो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिफ्ट को इक्वलेंट लीड में कन्वर्ट कर देते हैं, और कैसे कन्वर्ट कर देते हैं वो आगे मैं नोट के फॉर्म में मेंशन करके बता देता हूँ। सो दैट कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड। सो नोट वी कैन से टू कन्वर्ट द लिफ्ट इनटू हॉरिजॉन्टल टू कन्वर्ट द लिफ्ट इनटू हॉरिजॉन्टल लीड फॉलोइंग मॉडिफिकेशंस आर अप्लाइड लिफ्ट और लीड। अगर हमारे लिफ्ट की वैल्यू 3.6 मीटर तक है, इफ द लिफ्ट इज अप टू 3.6 मीटर, देन हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लीड? लीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, कल सवाल में बताया था आपको। हम क्या करेंगे, हम लिफ्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 10 से। वी विल मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ द लिफ्ट विद द 10। जैसे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ, आई टेक एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल लिफ्ट और लीड की वैल्यू, लिफ्ट की वैल्यू है 2 मीटर, तो लीड की वैल्यू कितनी होगी? लीड की वैल्यू है 20 मीटर। क्लियर है? रिपीट करना है इस पर कुछ? क्यों, कहीं जाना है तुम्हें? शादी वादी हो रही है एक दो दिनों में, या बाहर विदेश जा रहे हो कहीं घूमने, ऐसा कुछ है क्या? चलिए, ये सब डाउट पूछ रहे हैं, वो कॉलेज में पूछना चाहिए था। हाँ छोड़ो, वो कॉलेज में पूछ लेते फिर तो दिक्कत ही नहीं थी कोई। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, 3.6 मीटर से लेके अगर 6 मीटर के बीच में हो, अगर हमारे लिफ्ट की वैल्यू 3.6 मीटर से लेके 6 मीटर के बीच में हो, देन हाउ टू कैलकुलेट द लीड? तब लीड कैसे कैलकुलेट की जाती है? लिफ्ट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वॉट? लिफ्ट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वॉट? 8.3। दिस विल गिव यू वॉट? करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द लीड। जैसे एग्जाम्पल ले लिया मैंने, एग्जाम्पल ले लिया 5 मीटर, तो 3.6 से लेके 6 मीटर के बीच में है, तो लिफ्ट है हमारी 5 मीटर, ये 3.6 से लेके 6 मीटर के बीच में है। तो अगर मुझे इक्वल एंड लीड निकालनी है तो कैसे लूंगा?
तो अगर मैं इक्विवेलेंट लीड निकाल लिए तो मैं बोलूंगा इट इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर इनटू 8.3। कैलकुलेट कर लीजिए, सिंप्लीफाई करके निकाल लीजिए, सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट। तो 25 इनटू 8.3 कमिंग आउट टू बी हाउ मच, 25 इनटू 8.3 कितना आ रहा है, 207.5। तो 207.5, सो इट कम्स आउट टू बी 207.5। जो भी आपने आंसर दिया वो मैंने लिख दिया। और अगर इसकी वैल्यू 6 मीटर से ज्यादा है, इफ द वैल्यू ऑफ द लिफ्ट इज बियॉन्ड 6 मीटर, तो इक्विवेलेंट लीड निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लिफ्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 से। तो जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने 15 मीटर की है, सो द लिफ्ट इज ऑफ 15 मीटर, तो इक्विवेलेंट लीड कितनी निकल के आती है, 15 इंटू 20, तो 300 मीटर। सो इट कम्स आउट टू बी 300 मीटर। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो डायरेक्टली आपको प्रॉब्लम्स में अप्लाई करने पड़ेंगे, विच इज टू बी अप्लाइड डायरेक्टली इन योर प्रॉब्लम्स। सो इट कम्स आउट टू बी 300 मीटर। Outturn of the worker depend upon lift and lead. Hence, the calculation is done only for 30 meter of the lead and 1.5 meter of the lift. The standard value of lift and lead which is being considered to find the outturn is 30 meter and lift is of 1.5 meter. Hence, if the value of lift and lead is more than this value, we have to apply a modification factor. इसलिए हमें modification factor को use करना पड़ जाता है। अगर मेसन करने और जेसीबी वाले भी करें तो दोनों के लिए वैलिड है लिफ्ट और लीड, दोनों के लिए वैलिड है लिफ्ट और लीड। किस चीज के लिए लिफ्ट और लीड के बारे में बोल रहे हो, दीज वैल्यूज आर कोडल बेस्ड और बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन। चलिए, सो ऑल द वैल्यूज आई हैव डिस्कस्ड, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, रेस्ट विल कंटिन्यू टुमारो। सो टुमारो विल कंटिन्यू विद द रेट एनालिसिस, रेट एनालिसिस कंटिन्यू रहेगी और मेरे ख्याल से कल या परसों हमारा टॉपिक खत्म होने चाहिए। सो टुमारो और डे आफ्टर टुमारो विल फिनिश ऑफ दिस टॉपिक, सो योर कॉस्टिंग एस्टिमेशन विल बी कंप्लीटेड। चलिए, प्रॉब्लम्स हमने स्पेशल क्लास में कर रखी है, प्रॉब्लम्स वी हैव डन इन स्पेशल क्लास।